हेलो क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, पहले हम उसके जो तीनों लॉज हैं पहले उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद एक एक को हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपके तीन लॉ है। पहला आपका ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके बाद आपका थर्ड लॉ आएगा। ठीक, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मोशन करेगी तब तक जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के उसको कंपेल किया जाए अपनी इन सब चीजों को चेंज करने के लिए, मतलब रेस्ट से चेंज होके मोशन में जाने के लिए या मोशन से किसी रेस्ट में या उसकी स्ट्रेट लाइन में है जो कि डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है उसको बदलने के लिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक बार और इस चीज को सुन लीजिए, कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में इन स्ट्रेट लाइन रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के उसको बदला जाए। क्लियर, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरा जो लॉ है न्यूटन का वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि आपका जो मोमेंटम, ऑब्वियसली आप फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ऑब्वियसली चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, तो इससे ये चीज निकल के आ जाएगी कि उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा और वो टाइम लेगा तो उसका अपना एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो ये सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी बॉडी का होगा वो उसके अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अप्लाइड फोर्स जो होगा अगर कम होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। और उसी में दूसरा जो पार्ट है सेकेंड लॉ का कि द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। ये बात क्लियर है, अभी हम लोग इसकी और डिटेलिंग देखेंगे लेकिन अभी इनके जो स्टेटमेंट है उनको समझने की जरूरत है। अब उसके बाद जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ठीक है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। थर्ड लॉ न्यूटन का, तो थर्ड लॉ जो न्यूटन का है वो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या है ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब कहने का ये है, एक बार इसको देख लीजिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब
कहीं पे अगर एक्शन होगा तो उसके बदले में उतना ही रिएक्शन क्या होगा आपको मिलेगा। इसी को हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगा रही है तो बदले में वो वाली बॉडी पहली वाली बॉडी पे उतना ही फोर्स क्या है लगाएगी। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि आदमी है एज अ ऑब्जेक्ट, वो किसी सरफेस पे खड़ा है तो अपने वेट के बराबर का जो फोर्स है वो सरफेस पे लगा रहा है, उसको हम लोग एक्शन कहेंगे। तो बदले में वो सरफेस भी जो है हम पे ही उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा लगाएगा। ठीक है, तो इसे वो कहते हैं कि जितना एक्शन उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे अर्थ है और मून है, मून अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो बदले में अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट पे क्या है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ रिएक्शन जो है वो देता है। तो नेचर में जहां पे भी जाएंगे तो जहां पे भी एक्शन होगा तो हमें उतना ही रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, और इसी को हम जो है न्यूटन का क्या कहते हैं थर्ड लॉ कहते हैं। ओके, क्लियर है ये बात। तो ये था न्यूटन के लॉ के सारे स्टेटमेंट। अब हम एक एक करके उनको डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम फर्स्ट लॉ पे आते हैं जिसको हमने समझाया, अब इसमें हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। तो आपका स्टेटमेंट क्या था कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। अब अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे आपको तीन चीजें मिलेंगी, एक स्टेट ऑफ रेस्ट मिलेगा या यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा और तीसरी जो चीज आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए तो आप इस स्टेटमेंट में तीन चीजें को आप देखिए, एक है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा है स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस फर्स्ट लॉ को हम डिवाइड करें तो इसके तीन पार्ट आपके निकल के आएंगे, पहला आएगा ये, दूसरा आएगा ये, तीसरा आएगा ये। ठीक है, तो अब इसको तीनों को अलग अलग देखते हैं। तो पहली चीज स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि हमको उसको पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो अगर अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं इनर्शिया ऑफ जो है क्या है रेस्ट को क्या कर रहा है इलस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इसी स्टेटमेंट में फर्स्ट लॉ के तीनों लॉज ऑफ इनर्शिया का इंक्लूडेड है। तो आपको जो एग्जांपल भी फर्स्ट लॉ के आपको मिलेंगे वो लॉज ऑफ इनर्शिया से ही कोरिलेट होते हुए आपको मिलेंगे। तो पहली चीज आपको देखी यहाँ पे क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ रहा है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी तब तक जब तक ही उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा इसमें आ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, क्या रहेगी मतलब वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर इसको आप देखेंगे और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया से कोरिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको इलस्ट्रेट कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन को। ओके, तो इसका भी जो एग्जांपल अभी आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसी से निकल के आएगा। तीसरी जो चीज आपको दिख रही है वो है स्ट्रेट लाइन, मतलब कहने का है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, तब तक करेगा कि जब तक कि हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के मजबूर ना करें उसको अपने डायरेक्शन को बदलने के लिए। तो ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो अब हम इसी तीनों चीजों में हमने देख लिया, अब इसी का हम लोग एग्जांपल देखेंगे कहां कहां पे ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम अगर देखें स्टेट ऑफ रेस्ट वाली बात तो उसका सबसे बेहतर एग्जांपल है, ठीक है,
कि आप जो है ट्रेन में है, क्या है ट्रेन में है, और अचानक आपकी ट्रेन क्या करने लग जाए, मूव कर जाए, तो आप क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रेन के साथ मूव करेगी, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होगी, रेस्ट में रहना चाहेगी। किसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से या इस लॉ की वजह से, ठीक है, तो वो क्या होगा, पीछे झटका आ जाएगा। या आपने ऐसे भी देखा होगा कि जब आप चद्दर वगैरह होती है उसमें धूल वूल या गंदगी जब आ जाती है तो हम उसको ले जाके क्या करते हैं, उसको ऐसे झटक देते हैं, तो उसके पीछे भी यही लॉ काम कर रहा होता है कि जब आप इनिशियली बेडशीट को लेके जाते हैं ना, और अभी आपने उसको झटकना शुरू नहीं किया, तो उस सिचुएशन में आपका जो बेडशीट है और जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दोनों ही क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। लेकिन जैसे ही आप झटक रहे हैं तो आपके हाथ में तो चद्दर है, डस्ट पार्टिकल तो उसके अंदर पाया जा रहा है, तो आपकी जो चद्दर होगी वो मोशन में क्या होगी, आ जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके जो डस्ट पार्टिकल है इस स्टेट ऑफ रेस्ट वाले कॉन्सेप्ट की वजह से वो कहाँ रहना चाहेंगे, रेस्ट में, कहाँ रहना चाहेंगे, रेस्ट में, तो वो चद्दर के साथ मूव नहीं करेंगे और चद्दर से अलग हो जाएंगे। ओके, तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं इस पहले स्टेटमेंट के पार्ट का, और वो है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, क्या है, एक ग्लास है, आपने इस पे क्या रखा, एक कार्डबोर्ड रखा और इस पे क्या कर दिया, कॉइन रख दिया, तो जब आप इसको, इस कार्डबोर्ड को बहुत ही तेजी से जो है, ठीक है, जब इसको झटका देते हैं तो ये कार्डबोर्ड तो जो है क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन ये जो कॉइन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से या इस स्टेटमेंट की वजह से वो मूव नहीं करती है, तो ये वाला कार्डबोर्ड आगे चला जाता है और ये क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है, और दूसरे पार्ट का हम लोग जो है एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन से जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, तो अब इस बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए और उसको मजबूर किया जाए। तो अब इसका जो एग्जांपल है वो भी वहीं से आता है, पिछले भी वीडियो में हमने डिस्कस करा हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बस है वो मूव कर रही है और आप उसमें खड़े हैं, तो बस के साथ आपकी भी बॉडी क्या है, मूव कर रही है, लेकिन सडनली क्या हो रहा है, बस जो है ड्राइवर वो ब्रेक को अप्लाई कर दे रहा है, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तुरंत ही क्या होगा, रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि वो जो है सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, वो तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होगा, वो तो मूव करना चाहेगा, तो आप झटका खा के क्या होंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे। ओके, अब उसके बाद तीसरा पार्ट आ रहा है इसी लॉ का, हुआ है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो ये कहीं ना कहीं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि हम उस पे क्या ना कर लें, फोर्स अप्लाई ना कर लें, तो आपको डायरेक्शन को बदलने के लिए फिर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसी को हम लोग जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं। तो आप इसका एग्जांपल देख लीजिए कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगा कि जैसे आप किसी भी मतलब क्या नाम है एक थ्रेड से कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर लीजिए सर्कुलर पाथ पे मूव करा दीजिए, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे ही वो थ्रेड अगर टूट रहा होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में क्या होता है मूव कर जाता है, इससे पहले जो कि थ्रेड था वो उसके डायरेक्शन को मूव मतलब चेंज कर रहा था, लेकिन जैसे ही थ्रेड जो है मतलब टूटी वैसे ही उस पे अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस इंस्टेंट पे जिस भी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो उधर ही की तरफ क्या होगा चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब बाइक वगैरह चल रही होती है तो उसके पहिए जब रोटेट कर रहे होते हैं तो उसमें लगे हुए जो कीचड़ होते हैं वो आप देखेंगे कि वो पहिए के साथ ना घूम के एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है पीछे की तरफ सीधे निकल के आ रहे होते हैं, तो वहां पे
यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसका? न्यूटन्स लॉ का। ओके, इस वीडियो में इतना ही।